हेलो एवरीवन, दिस इज भूपेंद्र। ऑनलाइन स्टडी की इस सीरीज में आज हम चैप्टर 4 भौतिक गणित के बारे में हम चर्चा करेंगे। इस चैप्टर का विशेषता अपना कोई इम्पोर्टेंस ना होके इस चैप्टर का जो इम्पोर्टेंस है वो अन्य चैप्टरों में के लिए है। मतलब कि जो हम कैलकुलेशन करते हैं उसके लिए सारे फार्मूले, मतलब हमको समाकलन औकलन के जो सारे टर्म हैं उसके बारे में हमें यहाँ पे एक माइन्यूट जानकारी दी गई है। तो उस क्रम में हम चौथे टर्म के बारे में हम पढ़ रहे हैं। तो क्या है, दो अथवा अधिक फलनों के योग का औकलन। माना कि y इज इक्वल टू u प्लस v। u क्या है, फर्स्ट फलन है, v क्या है, सेकंड फलन है। जहां u तथा v दोनों x के फलन हैं, तब क्या करेंगे, इसको हम मान लेते हैं, अगर समीकरण एक माने तो लिखेंगे समीकरण एक का दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करने पर। नाउ डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, तो dy वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ यू प्लस वी। तो dy वाई बाई डी एक्स, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा dy बाई डी एक्स ऑफ यू प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ वी। अब उसी क्रम में हम नेक्स्ट टर्म होगा दो फलनों की गुणा का अवकल गुणांक। अब माना कि y इज इक्वल टू यू वी, ये क्या है, फर्स्ट टर्म, ये क्या है, सेकेंड टर्म। यहाँ भी क्या है, u तथा v दोनों x के फलन हैं। du dy अपॉन dx इज इक्वल टू d बाई डी एक्स ऑफ यू वी। अब यहाँ क्या कर देंगे, y का x के सापेक्ष अवकलन करने पर। अब यहाँ पे क्या कर देंगे, फर्स्ट फंक्शन d बाई डी एक्स ऑफ सेकेंड फंक्शन प्लस सेकेंड फंक्शन d बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट फंक्शन। तो ये हमारा ये फार्मूला हुआ। अब इस क्रम में अगर हम कोई मानते हैं y इज इक्वल टू 3x³ प्लस 7 एक ब्रैकेट में, 6x² प्लस 7 एक ब्रैकेट में। अब इसका हम करेंगे तो ये फर्स्ट फंक्शन है, ये फर्स्ट फंक्शन है और सेकंड फंक्शन है। फर्स्ट फंक्शन d बाई डी एक्स ऑफ ये वाला सेकंड फंक्शन, फिर हम प्लस सेकंड फंक्शन d बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट फंक्शन। अब ये 3x³ प्लस 7 अब यहाँ पे कर देंगे तो अभी d बाई डी एक्स ऑफ x की पावर n का फार्मूला क्या निकला था, nx n माइनस 1, तो पावर पहले आ जाएगी, 6 दूना 12, अब दो में से एक जाएगा एक, तो 12x हो जाएगा। अब यहाँ प्लस 6x² प्लस 7 कर देंगे, यहाँ भी कर देंगे तो क्या हो गया, पावर पहले आ जाए, 3 जा 9 और 3 में से एक जाएगा दो, तो 9x², इन दोनों का जब मल्टीप्लाई कर देंगे, मल्टीप्लाई करने के बाद जो हमें कंक्लूजन मिलेगा वो मिलेगा dy वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 90x⁴ प्लस 27x² प्लस 84x। अब हमारा नेक्स्ट टर्म है दो फलनों के भागफल का अवकल गुणा। माना कि y इज इक्वल टू यू अपान वी, ये भी u अपान वी क्या है, u क्या है, फर्स्ट फंक्शन है, सेकंड फंक्शन। अब फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन वही चीज़, मतलब जो अभी ने माना था, क्या माना था, उस क्रम में कि u v क्या है, x के ही फलन है, u और v क्या है, हमारे x के फलन है। तो उस क्रम में हम दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करेंगे। नाउ डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, तो dy वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ यू अपान वी। यू क्या है, फर्स्ट या सेकंड, तो यहाँ क्या हो गया, अभी तक वहाँ लेते हैं तो फर्स्ट फंक्शन d बाई डी एक्स सेकंड, अब यहाँ ठीक उल्टा लेंगे, हम नीचे से ले लेंगे, तो सेकंड फंक्शन d बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट फंक्शन, वहाँ प्लस होता था, यहाँ माइनस है, तो फर्स्ट फंक्शन d बाई डी एक्स ऑफ सेकंड फंक्शन अपान सेकंड फंक्शन का होल स्क्वायर। अगर हम इसे अंश तथा हर में कहा जाए तो लिखेंगे हर d बाई डी एक्स ऑफ अंश माइनस अंश d बाई डी एक्स ऑफ हर अपान हर का होल स्क्वायर। अर्थात यहाँ से एक कंक्लूजन निकलता है कि यदि दो फलनों के गुणन का अवकल गुणांक हम करें तो उस कंडीशन क्या होगा, ये हो जाएगा प्रथम फलन गुणे द्वितीय फलन का अवकल गुणांक तथा प्लस द्वितीय फलन गुणे प्रथम फलन का अवकल गुणांक। तो ये तो हमारा क्या था, मल्टीप्लिकेशन का, लेकिन इसी क्रम में अगर डिवीजन का करें दो फलनों के भागफल का अवकल गुणांक, तो हो जाएगा क्या, हर गुणे अंश का अवकलन माइनस अंश गुणे हर का अवकलन अपान हर का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे हमने मान लिया y इज इक्वल टू x² प्लस 1 अपान x² माइनस 2, ये अंश तथा हर और dy बाई dx। तो अगर इसे फर्स्ट फंक्शन मानते हैं सेकंड फंक्शन, तो यहाँ क्या लिखेंगे, सेकंड फंक्शन d बाई dx ऑफ फर्स्ट फंक्शन माइनस फर्स्ट फंक्शन d बाई dx ऑफ सेकंड फंक्शन अपान सेकंड फंक्शन का होल स्क्वायर। अब यहाँ x² माइनस 2, इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे x² क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा माइनस x² प्लस 1, और यहाँ भी x² क्या हो जाएगा, 2x। अब यहाँ पे डिवाइडेड बाई x² माइनस 2 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे 2x और 2x कॉमन है तो हमने निकाल के बाहर कर लिया, तो x² माइनस 2
माइनस एक्स स्क्वायर और माइनस प्लस माइनस हो जाएगा माइनस, एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा तो ये हो जाएगा 2 1 माइनस 3 हो जाएगा, तो 2x माइनस 3 2x मल्टीप्लाइड माइनस 3 अपान एक्स स्क्वायर माइनस 2 का होल स्क्वायर, 3 2 जा 6 तो क्या हो जाएगा माइनस 6x अपान एक्स स्क्वायर माइनस 2 टू द होल स्क्वायर।